नमस्कार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आज हम आपको दिखा रहे हैं, और इंटरेस्टिंग केस हमारे लिए वो होता है जिसमें चैलेंज रहता है कि पेशेंट को कैसे ठीक करें। रूटीन सर्जरी तो हम रोज़ ही करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, नी रिप्लेसमेंट हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से अलग होते हैं, जिसमें हमें यह सोचना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें। और उसमें आपको एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन की तरह, एक ट्रॉमा सर्जन की तरह, एक प्लास्टिक सर्जन की तरह और एक फैमिली मेंबर की तरह काम करना पड़ता है कि पेशेंट को फाइनेंशियली एंड फिज़िकली कम से कम तकलीफ़ हो और उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। यानी कि आपको बहुत डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ता है, तब आप पेशेंट के लिए एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हो। अनिल कहाँ, अलवर रहते हैं ना? हाँ खैरतल अलवर से हमारे पास आए हैं अनिल। इनका 2021 जुलाई यानी कि अब लगभग पूरे 3 साल होने वाले हैं। हाँ, पूरे 3 साल से। 3 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। कैसे हुआ था, चोट कैसे लगी थी? एक्सीडेंट हुआ था सर। बाइक पे थे? नहीं, मैं एक्टिवा पे था, पीछे से बाइक ने। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ पैर का। देखने में ये इनका फर्स्ट सीटी स्कैन देख रहे हैं हम, ये वाला। तो ये इनका घुटना है, ये फीमर बोन है और ये टिबिया बोन है। तो इसमें एक सुप्राकंडलर फ्रैक्चर हुआ, इस एरिया को सुप्राकंडलर एरिया कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये फ्रैगमेंट जो ऐसे था, ये टूटकर ऐसे चला गया है, मल्टीपल पीसीज हो गए हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा बोन बीच में से गायब है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर था। दूसरे व्यू में भी अगर आप देखें, रादर इसमें आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये नी जॉइंट है, मल्टीपल पीसीज हैं, मतलब इतने पीस हैं कि गिन भी नहीं सकते, इतने टुकड़े हैं। और बीच में ये बोन तो लगभग अब प्रैक्टिकली यूजलेस बोन हो गई थी, क्योंकि जब बोन दोनों तरफ से टूट जाती है ना, तो उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। तो फिर हमें इसमें क्या सर्जरी करनी है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी एक सर्जरी की गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक चीज़ है। थोड़ा सा इस एक्सरे को हम ऐसे लगाते हैं, यस। तो ये इनकी एक डिस्टल टिबियल प्लेट, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन है इस फ्रैक्चर के लिए, ये लगाया गया। बोन के जितने पीसीस थे सबको अलाइन किया गया। लेकिन जब यहाँ पर हड्डी में जान नहीं होती है किसी भी जगह पर, तो अल्टीमेटली इम्प्लांट टूट जाता है। इम्प्लांट टूटने का मतलब है कि हड्डी जुड़ी नहीं है, तो ये प्लेट टूट गई। अब इसमें चैलेंज क्या हुआ कि एक तो हड्डी जुड़ी नहीं है, दूसरा पैर छोटा भी हो गया था तब तक। हाँ, पैर छोटा हो गया था, लंबाई कम हो गई थी पैर की, और हड्डी जुड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फ्रैगमेंट है ये बहुत छोटी है, इसको बार बार कंट्रोल करना मुश्किल है। और इसमें आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रू ऑलरेडी डल चुके हैं, यानी कि इसमें दोबारा स्क्रू डालने की गुंजाइश भी नहीं थी। एलिजराव का ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एलिजराव में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिंग लगाए जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्रोकेंटर के नीचे यहाँ पर ऑस्टियोटमी की और लंबाई बढ़ाई, काफ़ी सक्सेसफुली बढ़ाई, और साथ साथ ये भी कोशिश की कि इस फ्रैक्चर की अलाइनमेंट भी बन जाए। इट वॉज़ ए वेरी गुड सर्जरी, और इससे कुछ काम हमारा आसान हुआ भी है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर एंगल थोड़ा सा, जहाँ पर ये बोन की लंबाई बढ़ाई थी, यहाँ पर थोड़ा सा, जिसको रीजनरेट कहते हैं, ये एंगल आ गया थोड़ा सा। और फ्रैक्चर ये जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो फाइनली जब हमारे पास अनिल आए, तो इनका ये सिचुएशन था। ये पूरा फीमर का एक एक्सरे है। एलिजराव की पिन टूट गई थी यहाँ पर, ये जो रीजनरेट बना था इसका भी फ्रैक्चर होकर दोबारा से टेढ़ा जुड़ गया है। और नीचे चलें तो यहाँ भी एलिजराव की एक पिन टूट गई है, यहाँ पर फ्रैक्चर अभी भी नहीं जुड़ा है, और यहाँ पर भी एंगल है। यानी कि बोन पहले ऐसे जा रही है, फिर ये बोन इस डायरेक्शन में चल रही है, और फिर अगली बोन इस डायरेक्शन में चल रही है। उसके साथ साथ पैर छोटा भी है। अगर लैटरल व्यू में देखें तो ये पूरा एंगुलेटेड पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ ए बिग चैलेंज नाउ। डिफॉर्मिटी है, शॉर्टनिंग है, नॉन यूनियन है, और जब इतने दिनों तक यहाँ पर फ्रैक्चर होता है नी के पास, तो नी की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, सारी मूवमेंट यहाँ चालू हो जाती है, यानी कि नी यहाँ बन जाता है, सारी मूवमेंट यहाँ शुरू हो जाती है, नी की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, नी स्टिफ हो जाता है। तो ये चैलेंज था हमारे पास कि हमें नी की मूवमेंट वापस लानी थी, फ्रैक्चर को जोड़ना था और लंबाई बराबर करनी। 3 चैलेंज थे हमारे। तो हमने डिस्कस किया अनिल से, उनकी फैमिली से, कि इसमें क्या किया जाए। पहले प्लान ये था कि हम तीनों ही चीज़ें एक साथ ठीक करें,
लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी हमने डिसाइड किया कि हम अभी नी की मूवमेंट वापस लाते हैं, जो घुटने के जस्ट ऊपर फ्रैक्चर है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है, उसको जोड़ते हैं, जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है जहाँ पर एंगुलेशन है और जहाँ पर उन्होंने नई बोन बनाई थी, उसको बाद में टैकल करते हैं। तो ये हमने प्लान किया था। तो सोल्यूशन हमने ये निकाला इनका, लास्ट एक्सरे अगर हम देखें जो इनका हमने किया है, ये हमने इनकी सर्जरी की है, नी रिप्लेसमेंट किया, साथ साथ जो फीमर वाला कंपोनेंट था उसमें एक लंबी नॉन सीमेंटेड रॉड लगाई, जिससे हमारे फ्रैक्चर को पूरी सपोर्ट मिल गई है। इसमें बोन ग्राफ्टिंग भी कर दी हमने। अब इस फ्रैक्चर को ना जुड़ने का कोई कारण नहीं है, ये फ्रैक्चर जुड़ना ही है। यहाँ मूवमेंट वापस आ गई है, बोन बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि पिछले 3 साल से इस पर वेट नहीं डाला गया, तो हमने यहाँ भी एक रॉड लगाई है ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। और अब अनिल हमारे पास हैं सर्जरी के, कितने 15 दिन हो गए? हाँ सर, 15 दिन। 15 दिन हुए हैं, तो अब थोड़ी सी नी की मूवमेंट हमारी शुरू हो गई है। जी सर। मतलब ये वैसे तो मुश्किल से 20-30 डिग्री मूवमेंट है, बट पहली बार मूवमेंट नी पे हो रही है। हाँ सर, पहले मूवमेंट फ्रैक्चर पर होते थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि इसमें हम मतलब जो 130 या 140 डिग्री मूवमेंट है वो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमें 90 डिग्री भी मिल जाता है इतना, तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, है ना। चौकड़ी लगाने की उम्मीद हम नहीं कर रहे इसमें, है ना। रियलिस्टिक होना पड़ता है हमें, हमें पता है कितनी चीज़ आ सकती है। एक बार ये हड्डी जुड़ जाए, इसकी मूवमेंट ठीक ठाक आ जाए, 6 महीने या साल जितना भी लगता है, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग केस है, लेकिन इसमें सर्जन के साथ साथ परिवार का कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। अगर फैमिली कॉन्फिडेंट नहीं है, फैमिली पेशेंट नहीं है, अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे, हमारी बात को नहीं समझेंगे, तो हम ये स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, पेशेंट कई बार होपलेस हो जाता है कि मैं इतनी सर्जरी करा। टोटल कितनी सर्जरी हो चुकी थी अभी? चौथी सर्जरी। ये चौथी सर्जरी है, 3 साल से बिस्तर पर है, 4 सर्जरी हो गई हैं, अभी भी वॉकर से ही चल रहे हैं, पैर अभी भी छोटा है, अभी भी ऊपर वाली जो हड्डी वो टेढ़ी है, तो काम अभी आधा ही हुआ है। लेकिन अगर हम मिलके करेंगे तो कर लेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस है ना, मजबूती आ गई सर। हाँ, तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, और हम ये जो वीडियो शेयर करते हैं वो इसलिए कि आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ऐसी ही प्रॉब्लम है और उनको रास्ता नहीं मिलता है कई बार, और ये बिल्कुल, और हम ये उन डॉक्टर्स के लिए भी हैं जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो जिनके पास ऐसे केस आते हैं, इससे देख के उनको भी आइडियाज आते हैं, तो वो भी अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।